पिपिली उपनिर्वाचन आज नामांकन दाखल करेंगे बीजेडी और कांग्रेस प्रार्थी। पिपिली पार्टी ऑफिस पुरी जाई प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे रुद्र प्रताप महारथी। सेहीपरी दलय समर्थकों गहन जाई नामांकन दाखल करेंगे कांग्रेस प्रार्थी अजित मंगराज। सेपटे प्रचार अभियान को आज जोरदार करेंगे बीजेपी प्रार्थी आश्रित पट्टनायक। गतकाल होली अवसर में पिपिलीर आसी समर्थकों ठू शुभेच्छा ग्रहण कर पिपिली विजय रणनीति नहीं आलोचना करिसेंती बीजेडी प्रार्थी रुद्र भारती। एपटे नामांकन दाखल कर सारिथिबा बीजेपी प्रार्थी पिपिली आज हाई वोल्टेज कैंपेन आरंभ करेंगे। एवं बीजेडीर नुआ मुह सह विरोधी पुराणा चेहरा मध्य लड़े हेब। गत निर्वाचन में बीजेडी को बीजेपी कड़ा टक्कर देता बेले कांग्रेस वोट हार बहुत तौक खसी आजेडी 51% वोट सह 88,518 वोट पाई। बीजेपी आश्रित पट्टनायक 42% 72,731 और कांग्रेस प्रार्थी 6% 9,830 वोट। तेणु विरोधी शिविर रणनीति उपर समस्त नजर रही। तेज उपनिर्वाचन में विरोधी को बारंबार मत देखा बीजेडी विरोध में रणनीति प्रस्तुत करने निश्चित रूपे विरोधी चैलेंज हो। पिपिली उपनिर्वाचन आज नामांकन दाखल करेंगे बीजेडी और कांग्रेस प्रार्थी। पिपिली पार्टी ऑफिस पूरी जाई प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे रुद्र प्रताप महारथी और कांग्रेस प्रार्थी अजित मंगराज। आम प्रतिनिधि अरुण राउत जोड़े अरुण आज नामांकन पर नामांकन करेंगे बीजेडी प्रार्थी एवं कांग्रेस प्रार्थी। समय कौन एवं एथिस आज कौन सी प्रकार प्रचार प्रसार रो कार्यक्रम रोचे कि देखो रिपि नामांकन कथा जी आम आलोचना करवा निश्चित भाव में पूर्व बीजेपी प्रार्थी आशित पट्टनायक नामांकन पत्र दाखल कर देते जेहेतु आज रोच शेष तारीख तेणु बीजेडी एवं कांग्रेस उभय अजित मंगराज कांग्रेस तरफ एवं रुद्र प्रताप महारथी बीजेडी तरफ आज नामांकन पत्र दाखल करार जहां रही कार्यक्रम बीजेपी बीजेडी आज दिन 9 बेलू आरंभ कर बाइक यात्रा एवं पुरी में पहुंचार जहां रही सूचना से भाई कांग्रेस एठ दिन 10 बाहर कर राजनीति क्षेत्र कथा जी कह पिपिली डेलांगर 46 पंचायत जनसाधारण पखापाखि 2,29,500 रु अधिक जो नूतन भाव भोटर रही भाग्य निर्धारित करेंगे। जोरदार हम आगामी उपनिर्वाचन लड़ई बोली जहाँ स्पष्ट भाव में जना पड़ी जदि कह नवागत भाव विजय लाभ करजेडी गड़र प्रदीप महारथी पुत्र रुद्र महारथी निश्चित भाव में दबदबा रही कारण ये रुद्र ही लड़े नहीं लड़े कर्मी और आगधाड़ी नेता मैंने अभिज्ञता हिसाब से जदि कह जेहेतु राजनीति क्षेत्र में रुद्रंर जथेष्ट कम अभिज्ञता रही सहित कड़ा टक्कर दिजिव बीजेडी बीजेपी सहित जे कि आशित पट्टनायक गत निर्वाचन में साधारण निर्वाचन में प्रदीप महारथी आखापाखी पाखापाखि लगि सारी भोट 72,000 रु अधिक भोट पाई निश्चित भाव में 88,000 भोट पाखापाखि विजय लाभ करते सत प्रदीप महारथी किंतु प्रथम थर करी बीजेपी पिपिली जहां दबदबा देखे निश्चित भाव में तार उपनिर्वाचन में कौन रोच दबदबा ताक नजर रही कांग्रेस कथा कह जदि सबुब बीजेपी बीजेडी कांग्रेस टक्कर सबुब लगी था जहां समालोचना आलोचनार शिकार होता है कि केवल दुईट दुकान बीजेडी और कांग्रेस रही जहां सारा राज्य में चर्चा था कि भाव में युधिष्ठिर सामंतरायर जो निरवता पर कांग्रेस भरोसा केवल अजित मंगराज पड़ी जहां से साधारण निर्वाचन में गत थर जदि कह 10,000 भोट पाई नते कि देखा मिले महारथी गड़ को किए हतोची निश्चित भाव में लड़े जोरसोर चलो तीन दल भितर लिपि केवल एतिक ही देखापी पिपिली जनसाधारण रोचार कहार रणनीति कौन रोची किए कौ प्रकार रणनीति व्यवहार करुची भोटर मानक हतवाई हूँ कि विभिन्न प्रकार किए प्रलोभन देखा तो अधूरा काम को आम पूरण करू आमको दियो अलग पकड़े नुआ नुआ उपाय बाहर करता मैंने कितु निश्चित भाव में ये उपनिर्वाचन एक दमदार लड़े हम तीन दल रही जहां साधारण आलोचना होशार चर्चा होवल से ही दिन को अपेक्षा रही है पिपिली डेलांगर जनसाधारण क्या निर्वाचन करूल्य भोट दे
क्या से आसन में बसाऊ किए पिपिली निर्वाचन अधूरा काम को पूरण करी दिन में देखा रूपे। अरुण गत निर्वाचन में भोट व्यवधान बीजेपी बीजेडी मध्य बहुत कम रही है तेज यही उपनिर्वाचन केउठना केउठी दुई दलों मध्य गोटे कड़ा टक्कर हो खासकर बीजेपी गोटे बड़ चैलेंज छिड़ा होती जेहेतु नुआ प्रार्थी रही रुद्र महारथी। धन्यवाद अरुण आपंकर तमाम आलोचना।